हेलो दोस्तों, आज के वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा कि आप फैंटम जेएस के माध्यम से आप किसी भी वेबसाइट के स्क्रीन को आप कैसे कैप्चर कर सकते हैं, आप कैसे उसको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं कोई भी एक्सटेंशन में, जैसे कि पीएनजी, गिफ फाइल, जेपीजी और भी कोई भी आप एक्सटेंशन में उसको कैप्चर कर सकते हैं। इसे प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको बताया था कि फैंटम जेएस क्या है और उसको कैसे आप इन्वायरमेंट सेटअप कर सकते हैं। अगर आप वो वीडियो नहीं देखे हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, या आप प्लेलिस्ट में जाइए और वहाँ पे फैंटम जेएस ट्यूटोरियल के प्लेलिस्ट को फॉलो कीजिए। तो आप पिछले वीडियो में तो इन्वायरमेंट सेटअप करना तो जान गए थे, बट फैंटम जेएस का कोड कैसे राइट करते हैं, उसका एक्सटेंशन क्या होता है आपने नहीं जाना था। तो चलिए मैं अब आपको बता देता हूँ कि फैंटम जेएस का एक्सटेंशन क्या होता है। जैसे कि HTML का एक्सटेंशन आपका होता है .html, उसी तरह से CSS का आपका एक्सटेंशन होता है .css, और JavaScript का आपका एक्सटेंशन होता है .js। तो उसी तरह से फैंटम जेएस का क्या एक्सटेंशन होगा, .js होगा। कोई भी फाइल का नाम लिख सकते हैं बट उसके बाद .js लगाना होगा। तो चलिए आप कोई भी टेक्स्ट एडिटर को ओपन कर लीजिए। तो जैसे कि मैं यहाँ पे सबलाइम टेक्स्ट एडिटर को ओपन करता हूँ, इसको मैं सेव करता हूँ। आप कहाँ पे सेव करेंगे, आप जहाँ पे फैंटम जेएस का यहाँ पे .exe फाइल रखे होंगे वहीं पे सेव करना होगा। मेरे को सी ड्राइव के अंदर, फैंटम जेएस फोल्डर के अंदर, फिल्म बिन फोल्डर के अंदर, फिर फैंटम जेएस फोल्डर के अंदर आपका ये फैंटम जेएस .exe फाइल है, वहीं पे मैं यहाँ पे test.js नाम में इस प्रकार से test.js सेव कर लेता हूँ। और मैं कंसोल में प्रिंट करके देखता हूँ, console.log में इस प्रकार से हेलो वर्ल्ड, इसके बाद phantom.exit लिखना होगा, क्योंकि जब आपका console.log का ये जब कोड एग्जीक्यूट हो जाएगा तो उसके बाद एग्जिट करना होगा। आप इसको रन कैसे करेंगे, तो आपको इसको कमांड प्रॉम्प्ट के माध्यम से ही रन करना होगा, क्योंकि मैं पिछले वीडियो में बता चुका हूं कि फैंटम जेएस आपका हेडलेस ब्राउजर है, ना कि GUI आपका ब्राउजर है। तो हेडलेस ब्राउजर का मतलब है आपको इस तरह का विंडो मिलेगा, आपको उसी में ही कोड करके आपको उसका रिजल्ट आपको मिलेगा। तो सबसे पहले आपको सी ड्राइव के अंदर जहाँ पे आपने फोल्डर को अभी सेव किया है उसका लोकेशन सबसे पहले आपको एक्सेस करना होगा, तभी आप इसको रन कर सकते हैं। मैं सिंपली सी ड्राइव में आ जाता हूँ, उसके बाद यहाँ पे मैं लिखूँगा CD और यहाँ पे मैं सिंपली लिख दूँगा फैंटम जेएस, उसके बाद स्लैश और फिर लिखूँगा bin फोल्डर और फिर लिखूँगा मैं इस प्रकार के फैंटम जेएस और इंटर प्रेस कर दूँगा। तो मैं यहाँ पे आ गया हूँ, अब सिंपली मेरे को टेस्ट को एक्सेस करना है। तो उसके लिए सबसे पहले आपको लिखना होगा फैंटम जेएस, उसके बाद आप अपने फाइल का नाम और उसका एक्सटेंशन। आप सोच रहे होंगे कि test.js से पहले फैंटम जेएस क्यों लिखे हैं, क्योंकि फैंटम जेएस को ही पता है कि test.js के अंदर जो कोड लिखा है वो इसी के ही माध्यम से रन हो सकता है। मैं इसको इंटर प्रेस करूँगा, आपको यहाँ पे मिल गया हेलो वर्ड, यहाँ पे आप console.log में लिखे थे हेलो वर्ड, आपको यहाँ पे मिल गया हेलो वर्ड। यही फाइल अगर आप किसी अनदर लोकेशन पर रखते हैं तो आप उसको कैसे एक्सेस कर सकते हैं, जैसे कि मैं इसी को यहाँ से कॉपी करूँगा, एक न्यू फाइल लूँगा, पेस्ट करूँगा, सेव करूँगा। मैं डेस्कटॉप पे इसको मैं सेव करता हूँ, डेस्कटॉप पे जाऊँगा और कोई भी फाइल मैं ले लूँगा, जैसे कि मैं टेस्ट लेता हूँ और .js लिखूँगा और सेव कर दूँगा। अब मैं यहाँ पे कमांड प्रॉम्प्ट को कट करता हूँ और फिर से मैं यहाँ पे ओपन करता हूँ, CMD टाइप करूँगा, कमांड प्रॉम्प्ट ओपन हो गया। अब मैं सिंपली यहाँ पे लिखूँगा CD डेस्कटॉप, तो मेरा डेस्कटॉप एक्सेस हो गया। अब सिंपली यहाँ पे मैं सिंपली लिख सकता हूँ फैंटम जेएस test.js, तो मेरे को रिजल्ट मिल जाएगा हेलो वर्ल्ड। तो आपने कोड को रन करना जान गए कि किसी भी लोकेशन के माध्यम से। तो अब चलिए हम लोग जानते हैं कि किसी भी वेब पेज को आप कैसे स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। फॉर एग्जांपल के लिए मैं कोई भी वेबसाइट को ओपन करता हूँ, जैसे कि मैं यहाँ पे
facebook.com को ओपन करता हूँ। ये देखिए आपका ये facebook.com ओपन हो गया। मैं चाहता हूँ कि इस वेब पेज का मैं स्क्रीनशॉट लूँ, तो वो कैसे कर सकते हैं, आप सिंपली यहाँ से इसको कॉपी कीजिए और यहाँ पे आइए और इसको यहाँ से रिमूव कीजिए। सबसे पहले आप एक वेरिएबल बनाइए, पेज वेरिएबल, और यहाँ पे आप रिक्वायर के माध्यम से वेब पेज को सबसे पहले आपको क्रिएट करना होगा। तो लिखिए रिक्वायर वेब पेज और डॉट क्रिएट फंक्शन लिख दीजिए। तो इसके माध्यम से आपका ब्राउज़र में एक वेब पेज आपका क्रिएट हो जाएगा। उसके बाद आप लिखेंगे पेज वेरिएबल और इसमें आप ओपन फंक्शन लागू करेंगे और यहाँ पे जो आपने URL कॉपी किया था वो यहाँ पे पेस्ट कर दीजिए और उसके बाद यहाँ पे कोमा के साथ सेपरेट कीजिए और फंक्शन दीजिए। अब आपको यहाँ पे लिखना होगा पेज डॉट रेंडर फंक्शन और इसके अंदर आप अपने इमेजेस का नाम लिखेंगे। कहने का मतलब है कि इसका स्क्रीनशॉट होने के बाद उसका नाम क्या आप रखना चाहते हैं, तो आप जो चाहे जो उसका नाम रख सकते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पे लिखता हूँ test.png, तो आप png के जगह आप jpg भी लिख सकते हैं। और उसके बाद मैं फैंटम को एग्जिट करता हूँ इस प्रकार से, क्योंकि इतना तो मेरा काम हो गया। इसके माध्यम से मेरा test.png क्रिएट हो जाएगा, तो क्रिएट होने के बाद तो फैंटम जेस एग्जिट होना चाहिए। मैं इसको सेव करता हूँ, यहाँ पे आऊँगा और फिर से मैं यहाँ पे लिखूँगा फैंटम जेस test.js और इंटर प्रेस कर लूँगा। तो देखिए यहाँ पे आपका कर्सर फिर से एक्टिव हो गया, तो इसका मतलब है कि आपका इमेजेस क्रिएट हो चुका है। क्योंकि देखिए test.js आपका यहाँ पे फाइल है, तो यहीं पे ही आपका ये test.png ही क्रिएट हुआ है। देखिए आपका ये क्रिएट हो चुका है। अब अगर आप चाहते हैं कि नहीं कोई अनदर वेबसाइट का आप स्क्रीनशॉट लूँ, तो मैं चाहता हूँ कि इसका स्क्रीनशॉट लूँ, तो सिंपली यहाँ से इसका URL मैं कॉपी करूँगा और यहाँ पे मैं आऊँगा और यहाँ पे उसको मैं पेस्ट कर लूँगा। अब इसके बाद आप उसका नाम चेंज कर दीजिए, यहाँ पे टेस्ट के जगह मैं और कोई नाम रखता हूँ, जैसे कि a.jpg मैं सेव करता हूँ और सिंपली मैं यहीं पे आऊँगा और फिर से मैं कमांड लिखूँगा phantom.js और test.js और इंटर प्रेस कर लूँगा। तो देखिए अभी तक ये आपका कोड प्रोसेस में है, अब कोड आपका प्रोसेस में नहीं है कि क्योंकि इतना आपका लिखा हुआ आ गया और फिर से कर्सर एक्टिव हो गया, तो इसका मतलब है कि आपका जो कोड है वो सक्सेसफुली रन हो चुका है और कोई भी एरर नहीं है। क्योंकि अगर एरर आता तो यहाँ पे आपका ज़रूर उसका मैसेज नोटिफिकेशन आपको मिलता। तो आप डेस्कटॉप पे आ जाइए, तो यहाँ पे देखेंगे आपका a.jpg यहाँ पे आपका बन गया। अगर आप इसका चाहते हैं प्रॉपर्टी में जाएंगे तो यहाँ पे देखिए उसका एक्सटेंशन है .jpg। अब इसको मैं यहाँ पे डबल क्लिक करूँगा तो देखिए ये आपका ओपन हो गया। इस प्रकार से आप किसी भी वेबसाइट को उसका स्क्रीन कैप्चर कर सकते हैं। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा तो आप मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा और इसके रिगार्डिंग अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप वो भी कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।